हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्वागत है आप सभी का यूपीएससी अड्डा 247 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मोनिका गौतम एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डाइव इन टू द हिंदू इम्पॉर्टेंट न्यूज अपडेट, नॉट ओनली द एडिटोरियल बट ऑल्सो द विल गोइंग टू हेल्प यू इन योर इंटरव्यू स्टेज। सो यस दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आई कैन सी निलेश, सोनाली, साहिल, करण। सो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अमंग योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, जो कोई भी प्रिपेयर कर रहा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। बिकॉज फ्रेंड, बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये सीरीज है हमारे में। आप लोगों का इतना अच्छा पर्सपेक्टिव बिल्ड हो रहा है, आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन की नॉलेज मिल रही है। ठीक है, अलग से जो है आपको मंथली करंट अफेयर्स पर फिर डाइव इन करना नहीं पड़ेगा। वाई? बिकॉज जितना भी जो भी हॉट टॉपिक्स हैं, हॉट मीन्स जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हें आप डेली साथ साथ करते चल रहे हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग सुमित भाई। चरण स्पर्श मेरे नहीं, चरण स्पर्श सिर्फ भगवान जी के या अपने माता पिता के। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आज के लिए 24 आवर्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। जो भी एस्पिरेंट आप लोग अगर यूपीपीसीएस देना चाह रहे हैं या आप लोग जो है बीपीएससी, यूपीआरओ, एआरओ, यूपीएससी, कोई भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दैट रिसेंटली एग्जाम्स आने ही वाले हैं, 1-2-3 महीने में लाइन में लगे हुए हैं। उसके लिए इफ यू वॉन्ट टू एनरोल इन सम अदर टेस्ट पैक, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और कोड यूज करते हैं Y335, तो सिर्फ आज के लिए ऑफर है। आज के लिए सबसे ज्यादा जो है डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? चलिए बढ़ते हैं आगे। वाई? बिकॉज टुडे इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे, और आप लोगों को अब मुझे बताना है व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट अपडेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट अपडेट दैट जो भी आप में से तैयारी करना चाहता है, यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहता है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, या किसी भी रीजन से अभी तक आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हो पाया था, आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं थी, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी, नॉलेज नहीं थी फ्रेंड्स, तो जो है आप इस उदय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आज जो ऑफर है, अगर आप आज ज्वाइन करते हैं ना, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा। आप कोड यूज करना Y335 एंड ऑन द आज क्योंकि इंटरनेशनल लिटरेसी डे है दोस्तों, तो आज के लिए सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस दोस्तों, फटाफट से अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, सबको बुलाइए। आई थिंक अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया। ये एक मुझे बहुत अच्छा कोट लगा, कल मैंने इसे रीड किया एंड मुझे लगा कि दिस शुड बी रेड बाई ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप लोगों को इस कोट को पढ़ना है, समझना है, फिर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जा रहा है इस कोट में? द इलिटरेट ऑफ द 21st सेंचुरी विल नॉट बी द दोज हु कैनॉट रीड एंड राइट बट दोज हु कैनॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। यानी कि एल्विन टॉफलर सर कह रहे हैं कि जो 21वीं सदी के जो इलिटरेट हैं, ठीक है, इलिटरेट का मतलब देखो दोस्तों, हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग समझते हैं सिर्फ जिसने 10th की है, 12th नहीं की है, ठीक है, या ग्रेजुएशन नहीं की है, सिर्फ 5th क्लास तक पढ़ा है, तो हम लोग कह देंगे वो इलिटरेट है। तो दोस्तों यही एल्विन टॉफलर सर कह रहे हैं दैट, वेरी गुड मॉर्निंग अश्विन, वेरी गुड मॉर्निंग सुष्मिता, सर ये कह रहे हैं कि 21st सेंचुरी में लिखना पढ़ना तो हर किसी को आ जाएगा, बट इलिटरेसी होती है ना जो दोस्तों, वो सिर्फ लिखने पढ़ने तक लिमिटेड नहीं होती। इलिटरेसी का जो इलिटरेट वो होगा 21st सेंचुरी में जो लिखना तो जानता है, पढ़ना तो जानता है, बट चीजों को लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न नहीं करता। यानी कि अपनी पास्ट की मिस्टेक से अपनी उसे पता है कि मुझसे क्या गलती हुई है, बट स्टिल उसके अंदर इतना ईगो है, एरोगेंसी है, ठीक है, कि अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो कौन है दोस्तों इलिटरेट 21वीं सदी का? जो अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखता नहीं, सीख लिया, ठीक है, सीख लिया, अब सीख के भाई उन कमियों को, उन गलतियों को हटाओ भी तो सही, उन गलतियों को भूलना भी तो होगा, यू शुड ऑल्सो अनलर्न दोज प्रीवियस मिस्टेक, उसके बाद यू नीड टू रीलर्न। ठीक है, यानी कि आपको फिर जो है नई चीजें सीखनी है दोस्तों, और अल्टीमेटली ऐसा काम करना है दैट आप लोग जो है सोसाइटी के कहीं ना कहीं हेल्प कर पाओ। ठीक है दोस्तों, दैट वाज अबाउट दिस कोट। अब आपको एक बात बताती हूँ, इसके ऊपर ना यूपीएससी ने एक एस्से पूछ लिया था, पूरा के पूरा जो है एस्से पूछ लिया था इस सिर्फ इस कोट के बेसिस पर। ठीक है, तो इसलिए कोट्स की जो पावर होती है ना आपके एस्से में, एथिक्स में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एज वेल एज आप अपनी आंसर राइटिंग में कहीं भी यूज कर सकते हैं।
अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों का एक और होमवर्क, आप लोगों को एक छोटा सा एसे लिखना है। ठीक है, इस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस पर्टिकुलर कोट, इस पर्टिकुलर कोट पे आपको क्या लगता है। ठीक है, आप जो है एसे लिखे और टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करेंगे। कल का भी आंसर किसी का वैसे आया नहीं था, सो यस, देखिए दोस्तों आंसर आ चुका है। व्हाट इज द थीम ऑफ 2021 इंटरनेशनल लिटरेसी डे, तो नीलेश ने बताया है द थीम इज ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी एंड नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। वेरी गुड, तो थीम दोस्तों सभी नोट कर लेना इस साल की इंटरनेशनल लिटरेसी डे की क्या है दोस्तों, अभी नीलेश ने बताया है ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, ठीक है, एंड नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। तो इसी तरीके से दोस्तों हमारी कम्युनिटी की ब्यूटी ही ये है कि अपनी नॉलेज, आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है उससे उसके साथ अपने फेलो एस्पिरेंट को हमेशा हमेशा अपलिफ्ट करते हुए आगे बढ़ते चले, नॉलेज ज्ञान को बांटिए तो जो है दोस्तों दूसरों का भी अच्छा होगा और आपकी भी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी। ठीक है, एंड नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। So yes friends, the very first article that we need to analyze is the spirit of federalism lies in consultation, that is the unilateral legislation without taking states into confidence will see more protest on the street। ये आप लोगों ने आर्टिकल देखा होगा दोस्तों, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा। ठीक है, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में डिकोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे किससे लिंक कर सकते हैं, इसके लिए आपके प्रीलिम्स से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आप इसे अपने जो है मेंस के पॉलिटी के पेपर से या प्लस जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है उससे लिंक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जानते हैं कि इसका पूरा कंटेक्स्ट क्या है, व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज न्यू। ठीक है दोस्तों, व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज न्यू, बेसिकली दिस आर्टिकल टॉक अबाउट कि व्हाई देयर इज अ नीड फॉर कंसल्टेशन विद द स्टेट्स व्हाइल पासिंग लेजिस्लेशन एज यूनिलैटरल लेजिस्लेशन मोर ऑफन देन नॉट एंड अप इन प्रोटेस्ट। बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर में समझना दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा प्रोविजन है, हमारा कैसा देश है, हमारा देश है फेडरल देश। ठीक है, हमारा फेडरल देश है, फेडरल देश होने का मतलब क्या है, यानी कि संघवाद होना। ठीक है, यानी कि संघवाद होना। व्हाट इज फेडरलिज्म दोस्तों, द नेचर ऑफ रिलेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर है वो शेयरिंग मोड में है। ठीक है, दोनों के बीच में पावर्स डिवाइडेड हैं, दोनों अपना अपना काम करते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव डोमेन्स में। ठीक है, फेडरलिज्म क्या है कि ऊपर सेंटर है, फिर स्टेट है, ठीक है, उसके बाद एक और डोमेन है जहाँ पे दोनों आपस में मिलके जो है कोई भी अगर इशू बनाना है, कोई भी अगर पॉलिसी बनानी है तो उस पर काम करते हैं। अब दोस्तों हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है, ये आर्टिकल क्यों लिखा गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो सेंटर गवर्नमेंट है हमारी वो एनक्रोच कर रही है स्टेट के मैटर में। ठीक है, वो एनक्रोच कर रही है स्टेट के मैटर में एज वेल एज कॉन्क्रुएंट लिस्ट के मैटर में। ठीक है, यानी कि फेडरलिज्म, अभी बता रही हूँ नीरज, बस एक सेकंड कंटेक्स्ट समझिए फिर सारी चीजें बताती हूँ। ऐसा कहा जा रहा है इस आर्टिकल में कि जो हमारी हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो जबरदस्ती अपनी सुप्रीमेसी दिखा रही है स्टेट के मैटर्स में। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम ये स्टेट का मैटर कौन सा है, दोस्तों हमारी गवर्नमेंट में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 का, वहां से हमारी सरकार ने एक कंसेप्ट लिया। क्या कंसेप्ट लिया, संघवाद का कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, संघवाद का कंसेप्ट लिया। संघवाद क्या होता है दोस्तों, कि आपका जो सरकार होगी, आपके देश में जो सरकार चलेगी वो दो पार्ट्स में चलेगी। सबसे ऊपर होगा सेंटर, उसके बाद आएगा स्टेट, और मिलजुल कर जो है दोनों नीतियां बनाएंगे, निर्देश बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, यानी कि सेंटर और स्टेट मिलके काम करेंगे। एक और चीज है दोस्तों, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, आपने देखा है नॉर्थ कोरिया में क्या है, नॉर्थ कोरिया में क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो भी सेंटर कह देगा, जो भी प्रेसिडेंट कह देगा वही होगा। ठीक है, बेसिकली कोई डिबेट, कोई डिस्कशन, कोई स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट, रीजनल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट, ये दो कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, ये दो कंसेप्ट होते हैं। इज इट क्लियर नीरज, पता चला फेडरलिज्म क्या है। करण अभी पढ़ती हूँ आपका मैसेज, अभी पढ़ती हूँ, ये समझ आया, इज इट क्लियर फ्रेंड्स, फटाफट मुझे एक बार ये बता दीजिए। फेडरलिज्म का कंसेप्ट क्या है, इट इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इट डील्स विद द नेचर ऑफ रिलेशंस एंड द पावर शेयरिंग। ध्यान रखना मैं क्या कह रही हूँ,
पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट था। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है, मैम आप सभी जानते हैं दैट हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कुछ कुछ अच्छे आर्टिकल्स जो हैं हर किसी डिफरेंट डिफरेंट नेशन से पिक किए थे, तो ये हमारा फेडरलिज्म का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया था दोस्तों? सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। फेडरलिज्म का कंसेप्ट हमने बोरो किया था ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो है फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट लिया था, यानी कि संघवाद, कि भैया ऊपर सेंटर होगा फिर स्टेट होगा और आपस में मिलकर जो है तालमेल से दोनों काम करेंगे, ये बात हुई। अब पहले एक बार इसे समझ लेते हैं, फिर जो है हम इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट समझेंगे, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल है, ठीक है, सातवीं जो सूची है, 7th शेड्यूल जो है उसमें कहा गया है कि जो पावर होंगी, जो सब्जेक्ट्स होंगे, वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे, ठीक है दोस्तों, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। कौन कौन से वो पार्ट्स होंगे, आई एम होपिंग दैट आप लोग ये सारी चीजें अपने नोट्स में मेंशन करते जा रहे हैं। सबसे पहला होगा एक सेंटर लिस्ट, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट, फिर आएगी एक स्टेट लिस्ट, देन एट लास्ट विल बी कॉन्कुरेंट लिस्ट, ठीक है, सबसे लास्ट में क्या आएगी, कॉन्कुरेंट लिस्ट। सेंटर लिस्ट होने का मतलब क्या है दोस्तों, जो भी डिसीजन होंगे, जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी, उसमें सेंटर का इन्फ्लुएंस, सेंटर का डोमिनेंस, सिर्फ और सिर्फ सेंटर जो है काम करेगा, ठीक है दोस्तों। ओरिजिनली जो सेंट्रल लिस्ट थी उसमें कितने मैटर्स थे दोस्तों, ओरिजिनली सेंट्रल लिस्ट में 97 मैटर्स आते थे, अब जो है 100 मैटर्स, 100 सब्जेक्ट्स के ऊपर, 100 जो है हम कह सकते हैं पॉलिसीज के ऊपर सेंटर जो है कानून बना सकता है। दूसरी चीज, अब आते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट का काम क्या है दोस्तों, स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पर सिर्फ जो हमारे राज्य होते हैं वो अपनी रीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, हो सकता है झारखंड की पॉलिटी अलग है, झारखंड की ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग है, तो वहां के लोगों की डिमांड अलग होगी, हरियाणा के लोगों की जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग है तो उनकी अलग होगी, जम्मू कश्मीर के लोगों की ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग है तो उनके हिसाब से जो उनकी सरकार है वो उनके लिए नियम कानून कायदे बनाएगी, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट कौन सी है जिसमें रीजनल पीपल के बेसिस पर, वहां की नेटिव पॉपुलेशन के बेसिस पर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो लॉज बनाती है, ठीक है दोस्तों, इज इट क्लियर? तो कितने सब्जेक्ट्स हैं टोटल, सब्जेक्ट्स ऑल जो है दोस्तों, पहले 66 थे, नाउ कम करके कर दिए गए हैं 61। तो आप देख रहे हैं, ये देखिए, इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि सेंटर ने अपनी पावर बढ़ा ली पर स्टेट की पावर जो है कम कर दी, कैसे, उसके हाथ से कुछ सब्जेक्ट्स वापस छीन के, ठीक है। अब आते हैं कॉन्कुरेंट लिस्ट की तरफ दोस्तों, कितने कम जो हैं, देखिए हमारे साथ अभी तक एस्पिरेंट जुड़े हैं, फटाफट से शेयर कीजिए सो दैट मैक्सिमम हमारे एस्पिरेंट्स यहाँ पे जुड़े। कॉन्कुरेंट लिस्ट कौन सा होता है दोस्तों, कॉन्कुरेंट लिस्ट इज द वन इन विच सेंटर एंड स्टेट कैन डिस्कस, कैन साइमल्टेनियसली मेक द लॉज, ठीक है, दोनों साथ मिलकर डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, स्टेट जो है अपने रीजन से इश्यूज बताएंगे, सेंटर अपने अकॉर्डिंग जो है अपने पॉइंट्स देंगे और दोनों सर्वसहमति से जो डिसीजन लेंगे, जो लॉज बनाएंगे, दैट विल कम अंडर कॉन्कुरेंट लिस्ट, ठीक है दोस्तों, दोनों साथ मिलकर। तो अब क्वेश्चन उठता है कितने सब्जेक्ट हैं दोस्तों कॉन्कुरेंट लिस्ट में, 52 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, ठीक है, 52 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर सेंटर और स्टेट मिलकर जो है लॉज बना सकते हैं। अब आप कहेंगे मैम सेंटर और स्टेट मिलकर अगर लॉ बना रहे हैं, अगर सेंटर की जो है बीजेपी है, फॉर एग्जांपल सेंटर में बीजेपी है और अगर स्टेट गवर्नमेंट भी उस लिस्ट में इंक्लूड है, ठीक है, उस कॉन्कुरेंट लॉ को बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल है, अब भैया दोनों की तो मिलती नहीं है ना, बीजेपी और वेस्ट बंगाल में कौन है, तृणमूल कांग्रेस, अब दोनों की आपस में मिलती तो है नहीं, बनती तो है नहीं, तो इस पे जो है कैसे लॉ बनेगा कॉन्कुरेंट लिस्ट में। तो दोस्तों अगर कॉन्कुरेंट लिस्ट में अगर कोई लॉ बन रहा है एंड आपस में अगर कोई कंफ्लिक्ट है तो ध्यान रखेंगे ऑलवेज जो सेंटर के डिसीजन होते हैं वो प्रिवेल करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो सेंटर विल प्रिवेल ऑन द ऑल द मैटर्स ऑफ कॉन्कुरेंट लिस्ट अगर कोई कंफ्लिक्ट है दोनों में। ये चीज सभी को समझ आई। अब दूसरा क्वेश्चन, मुझे आप बताएंगे कि सेंट्रल लिस्ट में कौन कौन आता है, सेंट्रल लिस्ट में आता है फॉर एग्जांपल हमारा जो डिफेंस है ना, हमारा रक्षा क्षेत्र जो है, सेंट्रल लिस्ट में आता है दोस्तों हमारा जो एटमिक एनर्जी है, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट में आती है हमारी रेलवेज जो है, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट में और क्या आता है दोस्तों बताइए, कौन आंसर देगा, यूनियन लिस्ट, यानी कि जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पर अगर कोई पॉलिसी बननी है, ठीक है, आईआर वाला जो मैटर है, और कौन आएगा यूनियन लिस्ट में दोस्तों, यूनियन लिस्ट में और आता है हमारी आर्मी, ठीक है, हमारी आर्मी आती है यूनियन लिस्ट में। दूसरी चीज, अब आप कहेंगे मैम स्टेट लिस्ट में कौन आ रहे, स्टेट लिस्ट में आता है फॉर एग्जाम्पल पुलिस, स्टेट लिस्ट में आता है पब्लिक ऑर्डर,
ठीक है, बट यहाँ पर एक जो है एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है दैट दैट एक्सेप्शन इज दैट हेल्थ जो है अर्जुन, हेल्थ जो है पहले स्टेट सब्जेक्ट में आता था, उसके बाद जो है हेल्थ को 42nd अमेंडमेंट एक्ट करके, जो हमारा 42nd संशोधन किया गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट करके हेल्थ को स्टेट से मूव करके जो है कॉन्कुरेंट लिस्ट में डाल दिया था सरकार ने. ठीक है, हेल्थ भी और फॉरेस्ट भी, ऐसे पांच मुद्दे जो है स्टेट से फिर कॉन्कुरेंट में शिफ्ट कर दिए थे. इज इट क्लियर? हेल्थ, एजुकेशन और फॉरेस्ट इस तरीके से शिफ्ट कर दिए गए थे. ये समझ आ गया अर्जुन? चलिए बढ़ते हैं आगे. अब आप ये देखिए दोस्तों, एक एक्सेप्शन है. अब आप कहेंगे मैम दिल्ली में तो पुलिस नहीं है, दिल्ली में जो है, दिल्ली तो नहीं कंट्रोल, दिल्ली की जो पुलिस है वो तो सेंटर कंट्रोल करती है. क्यों? बिकॉज देयर इज एन एक्सेप्शन. यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि दिल्ली का जो पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर है, उसे कौन कंट्रोल करेगा? उसे सेंटर ही कंट्रोल करेगा. ये चीज सभी को समझ आई दोस्तों. रिसर्च सेंटर, सुष्मिता, इफ दैट पर्टिकुलर रिसर्च सेंटर इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ही होते हैं और वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री के द्वारा संचालन किए जा रहे हैं या बनाए गए हैं, देन दैट विल कम अंडर यूनियन लिस्ट. ठीक है, वो यूनियन लिस्ट में आएंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट में सिचुएटेड हो सकते हैं, बट दैट विल प्रिवेल अंडर द यूनियन लिस्ट. समझ आया? एम आई नॉट ऑडिबल? बफरिंग हो रही है. चलिए बढ़ते हैं आगे. अब बढ़ते हैं हम आगे. तो दोस्तों अब हुआ क्या, अब कंटेक्स्ट में तो आ जाए ना, बैकग्राउंड तो बहुत समझ लिया. हुआ ये है दैट जो हम अभी इशू ये हुआ था कि बहुत ज्यादा कंसर्न जाहिर किए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने. ठीक है, कई राज्यों की सरकारों ने कंसर्न जाहिर किए हैं कि भाई जो सेंटर है ना, जो हमारा यूनियन है, वो यूनिलेटरली इनैक्ट कर रहा है क्रिटिकल लॉज में. कौन से सब्जेक्ट में? जो कि सब्जेक्ट कंक्रूएंट लिस्ट में आते हैं, प्लस जो स्टेट के सब्जेक्ट हैं उन पर जो है यूनिलेटरली सेंटर काम कर रहा है. भाई कंकरेंट लिस्ट में आने का मतलब क्या है? कि सेंटर और स्टेट आपस में मिलकर आके काम करेंगे. अब हो क्या रहा है? यूनिलेटरली काम किया जा रहा है. सेंटर जो है इन्वॉल्व नहीं कर रही है स्टेट्स को ऑन द मैटर्स ऑफ कंकरेंट लिस्ट. या तो आप अपने यूनियन तक सिर्फ सहमत जो है यूनियन लिस्ट तक अपने लॉज बनाइए. अगर आप कंकरेंट लिस्ट में मैटर्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा क्या कहा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि ये कहा गया है दैट कॉन्कुरेंट लिस्ट में अगर कोई भी लॉ बनेगा तो रिस्पेक्टिव स्टेट्स जो हैं उसमें इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, बट ऐसा नहीं हो रहा है. कौन से आर्टिकल के अंडर, कौन से शेड्यूल में है? 7th शेड्यूल में ये आता है. यूनिलेटरल मतलब होता है नीरज, देखिए दो चीजें होंगी, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, मल्टीलेटरल. इसका मतलब क्या है? यूनिलेटरल इज कि सेम एक प्लेटफॉर्म है और उसमें अकेले मैं खड़े होके कोई डिसीजन ले, सेम ग्राउंड पे. कोई हमारे पास पर ग्राउंड होना चाहिए उसके लिए, कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए. ठीक है, यानी कि कोई ना कोई मैटर होना चाहिए. अब उसी पर जो है मैं भी हूं और आप लोग सारे एस्पिरेंट्स भी मुझसे जुड़े हैं, उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े और हम सेम ऑब्जेक्टिव के साथ खड़े हैं. ठीक है, यूनिलेटरल, बायलेटरल और मल्टीलेटरल का मतलब क्या होता है? हम तब यूज करते हैं जब हम कॉमन गोल्स, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं. ठीक है, एक ही पार्टी तो इन्वॉल्व है, पर कौन से मैटर्स में? कॉमन या शेयर्ड गोल या ऑब्जेक्टिव्स के लिए. ठीक है, अब ऐसे तो आप कह देंगे कि यूनिलेटरली हम कह सकते हैं कि हमारे कोई मीनिंग भी बता रहे हो, यही जरूरत है. अच्छा सुष्मिता, ओके. तो यूनिलेटरल मतलब बायलेटरल कब होगा? जब एक से ज्यादा, मतलब कि दो लोग खड़े होंगे सेम ग्राउंड पर, यानी कि सेम ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए. ठीक है दोस्तों, ये हो गया बायलेटरल. मल्टीलेटरल, दो से ज्यादा, ठीक है, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, और वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं सेम गोल के लिए, सेम ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए. ठीक है, तो यही कहा गया है कि सेंटर जो है अकेला खड़ा है, जबकि ऑब्जेक्टिव हम सभी के सेम है, बट सेंटर जो है अकेला सारे कंसर्न्स जाहिर कर रहा है. तो इसमें जो है दोस्तों एग्जाम्पल दिया है फार्म लॉज का, कि भाई आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से जो फार्म लॉज हैं वो बिना किसी डिबेट, डेलिब्रेशन के, एज वेल एज किस तरीके से जो है सेंटर को, स्टेट को इन्वॉल्व किए गए हुए ला दिए गए. जबकि जो एग्रीकल्चर है वो तो कॉन्कुरेंट मैटर है. जब एग्रीकल्चर कॉन्कुरेंट मैटर है तो आप लोग हमें इन्वॉल्व क्यों नहीं कर रहे? या स्टेट मैटर है तो आप लोग हमें इन्वॉल्व क्यों नहीं कर रहे? भाई अगर हम कुछ कह भी रहे हैं तो उसे सुना तो जाएगा. ठीक है,
मुझे कुछ कुछ मीनिंग पता नहीं इसलिए पूछ। अरे नीरज क्यों नहीं, आपको पूछना है भाई। मैं कहती हूँ ना, यू शुड बी क्यूरियस, आपको जानने की जो है इच्छा होनी चाहिए, तभी तो आप लोग चीजों को ज्यादा से ज्यादा सीख पाओगे। ये अच्छी बात है दैट आप क्यूरियस हो। क्यों? यानी कि आपके दिमाग पे जो है जंग नहीं लगा हुआ है, ठीक है? आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझने की, जानने की इच्छा शक्ति है, ठीक है? इट इज अ गुड थिंग। इसमें जो है किसी को भी शर्माने की जरूरत नहीं है। टीचर का रोल क्या है? टीचर का काम यही है कि अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, तो हम उसे रिजॉल्व करें। ऑल दो मैं टीचर खुद को नहीं कहती हूँ भाई, मैं उस लेवल पर नहीं हूँ, बट स्टिल जितना भी हो पाए आप लोगों की हेल्प करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो दूसरा दोस्तों, कहाँ कहाँ जो है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये इशू जाहिर किया है? केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है, केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है दैट एज वेल एज तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट ने जो है, जो फार्म लॉस आए थे ना, उनके अगेंस्ट अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है फार्म लॉज को जो है कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए अपने लेवल पर उन्होंने अपना लॉ निकाल दिया। केरला की गवर्नमेंट ने भी यही कहा कि भाई अगर तुम हमें कॉन्करेंट लिस्ट में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, तो हम जो है तुम्हें अपनी स्टेट लिस्ट में तुमसे अपोज करेंगे ही करेंगे, ठीक है दोस्तों? ऐसा जो है कहा गया है। इज इट क्लियर? ऐसा जो है कहा गया है। अब जो है क्यों हम क्यों इसके ऊपर कंसर्न जाहिर किए गए हैं दोस्तों? एक चीज होती है, ठीक है, एक चीज होती है क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। सीधा सीधा प्रीलिम्स में, सीधा सीधा मेंस में आप इसके ऊपर सीधा सीधा इंटरव्यू में जो है एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज। क्या होती है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस? डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस इज अ डॉक्ट्रिन दैट इज यूज टू डिटरमाइन अंडर विच हेड ऑफ पावर दैट इज अ गिवन पीस ऑफ लेजिस्लेशन फेल्स। दैट डॉक्ट्रिन इज प्राइमरली यूज व्हेन अ लॉ इज चैलेंज ऑन द बेसिस दैट वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज एनक्रोच्ड अपॉन द एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस क्या है? जब जो है दोस्तों जब जुडिशरी को अपना इन्वॉल्वमेंट करना पड़ जाए, ठीक है? अब जुडिशरी तो सारी चीजें ऑब्जर्व कर रही है ना कि भैया यूनियन क्या कर रहा है, स्टेट क्या कर रहा है, कॉन्कुरेंट पे किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से जो है ये लॉ बना रहे हैं, ठीक है? जुडिशरी ये सारी चीजें देख रही है। अगर जुडिशरी जो है इंटरफेयर कर जाए, इंटरवीन करे, ठीक है, इंटरफेयर कर जाए कि भैया ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस हैपनिंग, सेंटर जो है इतनी सुप्रीमेसी क्यों दिखा रहा है कॉन्कुरेंट लिस्ट में, अब इस पर जो है सेंटर ने क्या जवाब दिया? सेंटर ने जवाब दोस्तों ये दिया कि जो हम ये लॉज बना रहे हैं, हम बना रहे हैं एंट्री 14 पर, ठीक है, और उसे एंट्री 33 के थ्रू जो है कॉन्करेंट लिस्ट में डाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? दो चीजें समझना। नेशनल पार्क्स का महिंदा कॉन्करेंट लिस्ट, नीरज ये तो आप बताएंगे ना, मैं नेशनल पार्क का जब मैंने कराया था तो ये टॉपिक बताए, ये बात बताई थी कि नेशनल पार्क किसकी ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं और उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है कौन चेंज कर सकता है, ठीक है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, अब याद करो जल्दी से, नोट्स खोलो और ध्यान आ जाएगा। अब दोस्तों सेंटर ने अब क्या जवाब दिया जब जो है जुडिशरी कहा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम जो स्टेट लिस्ट है ना, दो चीजें होती है दोस्तों, स्टेट लिस्ट और कॉन्क्रुएंट लिस्ट में कुछ प्रोविजंस होते हैं। एक है स्टेट लिस्ट में होती है एंट्री 14, ठीक है, एंट्री 14। कॉन्क्रुएंट लिस्ट में एक चीज होती है एंट्री 33, ठीक है। सेंटर ने कहा कि भैया जो हमने ये लॉज लाए हैं ना, स्टेट में तो हमने एंट्री करी है एंट्री 14 के थ्रू, कॉन्क्रुएंट लिस्ट में करी है एंट्री 33 के थ्रू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसे मैटर्स के थ्रू जहां ज्यादा डिबेट और डेलिब्रेशन की नीड नहीं होती, जहां पर सेंटर जो है सुप्रीम होता है, ठीक है, जो है सेंटर सुप्रीम होता है, यानी कि सेंटर सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है हम लोग जो है पीछे के दर उंगली सीधी ना करके टेढ़ी करके जो है अपना हमने अपना काम मनवा लिया। इन इन लिस्ट का, इन दरवाजों का, इन एंट्रीज का हवाला देते हुए सेंटर ने ये कहा हमने जो है कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रेड एंड कॉमर्स जो क्लॉज गिवन है, ठीक है, जो ये क्लॉज गिवन है जहां पर हमारा हक है, हमारा रोल है लॉ बनाने का, हमने उसके थ्रू लॉ बनाया है, ना कि जो है कॉन्क्रुएंट के मैटर्स में स्टेट को प्रिवेल करके हमने एंट्री मारी है इस दरवाजे से, ठीक है? आप चलाकी समझ रहे हैं एंट्री कहां से मारी है? एंट्री 33 से। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? इज इट क्लियर? समझ आया सेंटर ने जो है किस तरीके से अपना वर्डिक्ट दिया, किस तरीके से अपने पॉइंट को प्रूव कर दिया? ये चीज सभी को समझ आई? तो दोस्तों अब जो है इससे क्या कंसर्न निकल के आते हैं? डेफिनेटली कंसर्न तो निकल के आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो डेमोक्रेसी का ट्रू जो एसेंस है, हमारे जो डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का जो ट्रू एसेंस है, वो कहाँ लाई करता है? वो लाई करता है फेडरलिज्म में, ठीक है, वो फेडरलिज्म में लाई करता है।
अगर फेडरलिज्म में लाई करता है तो भाई स्टेट सेंटर को इन्वॉल्व होना जरूरी है किसी भी मैटर में पब्लिक इंपॉर्टेंस के। क्यों स्टेट को इन्वॉल्व होना जरूरी है दोस्तों? स्टेट जो है हम लोगों की आवाज जो है सेंटर में रखता है। हमारी आवाज सेंटर तक कैसे पहुंचती है? ऐसे थोड़ी हम चिट्ठी लिख देंगे। हमारे जो MLA हैं, हमारे जो MPs हैं, वो जाके हमारे इश्यूज को आगे लेके जाते हैं। तो अगर फेडरलिज्म क्या है दोस्तों? फेडरलिज्म इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें हम ध्यान रखेंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है अगर यूनियन गवर्नमेंट इसी तरीके से जो है अपना एनक्रोचमेंट करती रहेगी कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है, इसी तरीके से एक्सटेंड करती रहेगी कॉन्करेंट लिस्ट में, देन इट इज अ ग्रेव कंसर्न। ये जो है भारी भरकम जो है अपने आप में हम लोगों के लिए एक चिंताजनक इशू है। ग्रेव कंसर्न का मतलब क्या होता है दोस्तों? चिंताजनक, ठीक है, चिंताजनक विषय होना। ठीक है दोस्तों, ग्रेव कंसर्न चिंताजनक विषय होना। अगर मैं कहूं इसी तरीके से अगर जो है आप लोग डेली डेली क्लासेस मिस करेंगे तो क्या है दोस्तों? दिस विल कॉज अ ग्रेव सिचुएशन फॉर यू टू क्वालिफाई योर UPSC एग्जामिनेशन। यानी कि चिंताजनक जो है सिचुएशन आ जाए। इट इज नॉट द एसेंस ऑफ फेडरलिज्म फॉर द यूनियन गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट यूनिलेटरली अवॉइडिंग डिस्कशंस विद द स्टेट्स ऑन द मैटर्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरलिज्म का ट्रू एसेंस ये नहीं है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अकेले जो है लॉज बना ले बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी डिबेट के, ठीक है, किसी भी मैटर में जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। ठीक है दोस्तों, कंक्लूजन में ये कहा जाता है, कंक्लूजन में हवाला दिया जाता है SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस का। SR बोमाई दोस्तों कौन थे? ये सर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे 1980s में आई थिंक। तो हुआ ये था, इनका एक केस चला था यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इन्होंने केस फाइल किया था, जो इमरजेंसी आई थी ना उसके अगेंस्ट इन्होंने केस डाला था। बेसिकली इसमें जो है अंडर आर्टिकल 356 का जो है हमारे पास वर्डिक्ट आया था। इसमें ये कहा गया था SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो हमारी जजमेंट आई जब गवर्नमेंट की, तो ये कहा गया भाई फेडरलिज्म का जो ट्रू एसेंस है वो ये है कि सरकार जो है मिलजुल कर जो है डिसीजन बनाए। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस है, अगर कोई सिक्योरिटी को खतरा है, ठीक है, ऐसी बहुत ही बड़ी चीज़ आ गई है कि भाई सिक्योरिटी को खतरा है, नेशनल इंपॉर्टेंस का केस है, तब जो है आप अपने हाथ में तब जो है सकते हैं, ठीक है। बट बिना मतलब में आपने इमरजेंसी लगा दी, बिना मतलब में जो है आपने लॉज बना दिए, एनक्रोचमेंट कर ली, तो उससे क्या है दोस्तों? उससे डेमोक्रेसी का खंडन होता है, ठीक है, और साथ ही साथ लोगों में जो है कॉन्फिडेंस डाउन होता है, जिसकी वजह से इतने ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आप पहले ही पार्लियामेंट में ही असेंबली में ही इन्वॉल्व कर लें उन MP और MLAs के कंसर्न को, तो इस तरीके के प्रोटेस्ट तो देखने को ही ना मिले ना दोस्तों, है ना, ऐसा होता है ना। सुष्मिता, मैं केस स्टडीज अभी अगर यहाँ पे कुछ आता जाएगा तो करा दूंगी, अदरवाइज जो हमारा जो फाउंडेशन बैच आ रहा है, उदय बैच जो है, उसमें मैं एथिक्स इंटीग्रिटी करा रही हूँ, तो उसमें जितनी भी केस स्टडीज होंगी वो मैं बिल्कुल डिटेल में करवाऊंगी आप लोगों को, किस तरीके से जो है डिसीजन मेकिंग करनी होती है, किस तरीके से जो केस स्टडीज है वो करनी होती है। ठीक है, यस यस अर्जुन पूछिए क्या डाउट है। मैम एक डाउट, इंटर स्टेट रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट भी रिलेटेड ही है क्या बिटवीन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट? अर्जुन, इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट है वो फेडरलिज्म का यस एक है, उसमें जो है आर्टिकल 262 या 264 में जो आता है, बेसिकली क्या कहा गया है उसमें, ये बात की जाती है दैट अगर कोई भी इस तरीके का कंसेप्ट है जहां पर जो है स्टेट को इन्वॉल्व तो करना ही है भाई, स्टेट को जो है मिल तो रही है वाटर, बट वहां पर प्रिवेल करता है हमेशा सेंटर का डिसीजन। ठीक है, इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं वहां पे सेंटर का डिसीजन प्रिवेल करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सेंटर स्टेट रिलेशंस अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सो यस फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में अटेम्प्ट करना है, कंसिडर द क्वेश्चन। देर हैज बीन इंस्टेंसेज ऑफ प्रोटेस्ट बाई द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिंग यूनिलेटरली ऑन सब्जेक्ट्स इन कॉन्करेंट लिस्ट। वट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस फॉर द फेडरलिज्म? सजेस्ट द वे फॉरवर्ड। ठीक है, सजेस्ट द वे फॉरवर्ड। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर आपको जो है आंसर लिखना, ट्राई करना 150 वर्ड्स में जो है आंसर लिखे, 10 मार्क्स इसके लिए आपको अलॉट किए जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करेंगे। डेफिनेटली मैं जो है आप लोगों के करेक्शन करूंगा।
इससे होगा क्या दोस्तों, इससे जो है आपकी थिंकिंग जो एबिलिटीज हैं, ठीक है, आपकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी, आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से सोचा जाता है, जो आपका रेजिस्टेंस है ना लिखने में, आंसर राइटिंग का जो रेजिस्टेंस है वो दूर होगा, एज वेल एज आप जो है अपने पॉइंट्स निकाल सकते हैं, आपका जो अपना थिंकिंग डोमेन है वो जो है डेवलप होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है, व्हाट आर डुगोंग्स, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। ये आर्टिकल आया है दोस्तों, ये आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, ठीक है, ये कल के इंडियन एक्सप्रेस में गिवन था, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैम एक रिक्वेस्ट कर रही है कि 2 दिन से साइंस लेके कोई भी प्रोफेसर ले गए हैं, जबकि वो सब्जेक्ट आप पढ़ाने हैं, हमको आपसे ही पढ़ना है वो सब्जेक्ट। निलेश निलेश, आई विल बी टेकिंग योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द बैच, ठीक है, जो हमारा उदय बैच है ना, जिसमें मैं आपकी 2022, 2023, 2024 में जितने भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनके लिए जो बैच शुरू हो रहा है 20 तारीख से, उसमें मैं फुल फ्लेज बिल्कुल बेसिक से साइंस कराऊंगी, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल आप सभी देखेंगे दोस्तों, डुगोंग क्या है, ठीक है, डुगोंग के ऊपर आर्टिकल आया है। क्यों डुगोंग के ऊपर आर्टिकल आया है? बिकॉज हमारी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है इंडिया का फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व बनाया है डुगोंग्स के लिए, ठीक है, डुगोंग्स के लिए। डुगोंग्स क्या होता है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, जिन्हें सी काओ भी कहा जाता है, बड़े फ्रेंडली बड़े क्यूट से ये क्रिएचर्स होते हैं, जिन्हें सी काओ भी कहा जाता है, ठीक है, जिन्हें मैराइन काओ या सी काओ भी कहा जाता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी चीज है दैट मैम, अगर ये तमिलनाडु में पाए गए हैं तो तमिलनाडु में कहाँ पाए गए हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, पहले तो आप देखेंगे कि आपके प्रीलिम्स में ये कहाँ लिंक होता है, ये आपके प्रीलिम्स में लिंक है, ये आपके जीएस पेपर 3 से लिंक है, एनवायरमेंट के पेपर से, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, तो दोस्तों सबसे पहले डुगोंग की हम कंजर्वेशन जो है देखेंगे कि क्या स्टेटस मिला है डुगोंग को, क्यों जो है कंजर्वेशन रिजर्व बनाने की जरूरत है डुगोंग के लिए, वो कौन सी लिस्ट में आता है, कहाँ जो है उसका दोस्तों ज्योग्राफिकल हम देख सकते हैं लोकेशन, यानी कि कहाँ कहाँ वो पाया जाता है और क्या उसकी इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हम जानते हैं वहीं से बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, डुगोंग्स आर सीन इन द गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, पाक बे एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है दोस्तों। तो डुगोंग जो है वो इस वाले रीजन में पाए गए हैं, तो इसीलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि भाई इनकी जो है इनकी स्पीशीज को हम लोग कंजर्व करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर एक थ्रेट है, इनको एक खतरा है। कौन सा खतरा है दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं दैट IUCN की लिस्ट में डुगोंग जो है वल्नरेबल है दोस्तों। वल्नरेबल का मतलब क्या है? वल्नरेबल का मतलब होता है दैट विच आर ऑन अ वेरी क्रिटिकल स्टेट, यानी कि जो है जिनको जो है ह्यूमन से जो है खतरा है, दैट वुड कम अंडर द एज ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है, उनकी जान को खतरा है ह्यूमन्स के इंटरफेरेंस की वजह से, एज वेल एज जल्दी ही जो है दोस्तों ये एज ऑफ एक्सटिंक्शन पर बिल्कुल लाई करते हैं, यानी कि खतरे की घंटी पर बिल्कुल इनकी पॉपुलेशन लाई करती है, इसलिए इन्हें प्रिजर्व करने की नीड है। तो अब आपके लिए प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दैट IUCN की लिस्ट में डुगोंग जो है कौन सा स्टेटस ग्रांटेड है। तो दोस्तों IUCN की लिस्ट में जो है वल्नरेबल का स्टेटस मिला हुआ है डुगोंग, वल्नरेबल का स्टेटस मिला हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इज साइट्स की लिस्ट में, साइट्स जो होता है हमारा, ठीक है, साइट्स की लिस्ट में डुगोंग कहां लाई करता है दोस्तों, अपेंडिक्स 1 में लाई करता है। कहां लाई करता है? अपेंडिक्स 1 में लाई करता है। अपेंडिक्स 1 में उन्हीं क्रिएचर्स को जो है रखा जाता है दोस्तों, किन क्रिएचर्स को, जो दोस्तों नेशनल इंपॉर्टेंस, जिनको जो है हाईएस्ट कंजर्वेशन का स्टेटस दिया जाता है, जिन्हें सबसे ज्यादा कंजर्व करने की जरूरत होती है, अपेंडिक्स 1 में उन्हीं जो है लाई किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट की इंडिया में अगर हम देखें, जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो एक्ट है, उसमें कहाँ लाई करता है डुगोंग, 1972 में जो आया था उसमें कहाँ लाई करता है डुगोंग, एक सेकंड दोस्तों।
यस फ्रेंड्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि डुगोंग का जो है दोस्तों, हम किस जो है लिस्ट के अंडर इन्हें प्रोटेक्शन देते हैं। तो दोस्तों, अपेंडिक्स वन, साइट्स के अपेंडिक्स वन में आता है डुगोंग का कंजर्वेशन जो स्टेटस है। अब इसे कंजर्व करने की क्यों नीड है दोस्तों? बिकॉज ह्यूमंस के इंटरवेंशन की वजह से, ह्यूमंस का इतना ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं वाटर्स में, ठीक है? वाटर्स मतलब क्या है? वाटर और वाटर में कंफ्यूज नहीं होना है, वाटर्स और वाटर, वाटर वाटर्स होते हैं दोस्तों, जो कलेक्टिव हम टर्म कहते हैं सी के लिए, ओशंस के लिए, रिवर्स के लिए। और वाटर क्या है? यानी कि जो हम पानी कहते हैं, बेसिकली कुछ भी हो सकता है वो, तो ठीक है। तो क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स में हमारा जो डोमिनेंस है, ह्यूमंस की एक्टिविटीज, ह्यूमंस का एनक्रोचमेंट इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से डुगोंग की जो स्पीशीज है वो डिस्ट्रक्ट होती जा रही है दोस्तों। तो डुगोंग क्या है? डुगोंग एक दोस्तों सी मैमल है, ठीक है? सी मैमल है एक डुगोंग। डुगोंग सी मैमल, मैमल की मैंने आपको कल भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बताए थे। दैट मैमल्स कौन से होते हैं? मैमल्स होते हैं दोस्तों लाइक मैमल्स होते हैं जिनके पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। मैमल्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि जो दोस्तों अपने न्यू ऑफस्प्रिंग को फीड करते हैं अपने ब्रेस्ट मिल्क से, ठीक है? जो जो है फीड करते हैं ब्रेस्ट मिल्क से। अब कल की क्लास में एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था, दैट मैम क्या जो मेल होते हैं, मेल होते हैं वो भी मैमल्स की कैटेगरी में आएंगे? यस दोस्तों, वो भी मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, बट जो है फंक्शनल नहीं होते हैं उनके मैमरी ग्लैंड, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आते वो मैमल्स की कैटेगरी में ही है, ठीक है दोस्तों। अभी कब एक्टिवेट होते हैं हम सभी जानते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग द गेस्टेशनल पीरियड, जब डिलीवरी होती है तो ऑक्सीटोसिन और जो एस्ट्रोजन रिलीज होता है उसकी वजह से मैमरी ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और मिल्क जो है सिक्रीट होता है फीमेल की ब्रेस्ट से। ये सभी को क्लियर है? तो ये आप लोगों को आई होप क्लियर होगा दैट यू, इनको किससे खतरा है? इनको खतरा है सबसे ज्यादा तो नेस्टिंग से, जो नेस्टिंग की जाती है ना, जो मछुआरे नेस्टिंग करते हैं तो इनके गिल्स उस नेट में फंस जाती है और फंस जाने की वजह से ये बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं तो इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है दोस्तों। इनकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसलिए इन्हें कंजर्व करने की नीड है, इसलिए इन्हें कंजर्व करने की नीड है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इज और क्या खतरा है? इन्हें खतरा है दोस्तों जो इतना ज्यादा मेराइन पॉल्यूशन हो रहा है, इतनी ज्यादा जो है बोट ट्रैफिकिंग हो रही है। आप लोग देख रहे हैं सिर्फ काम के लिए भी और ना काम के लिए भी, ना काम के लिए यानी कि टूरिज्म के लिए, ठीक है? क्रूज जा रही है, लोग पर्सनल बुक कर करके जा रहे हैं, तो भाई उनका घर है, उनके घर में आप क्यों घुस रहे हो? आपके घर में कोई जबरदस्ती घुसे आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। इसी तरीके से ह्यूमंस जो है अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए जो मेराइन क्रिएचर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। इतना ज्यादा जो टूरिज्म हो रहा है, वहां पे घर बना लिए, देखते होंगे आप, आइलैंड बसा लिए पूरे के पूरे, और क्या कर लिया है, क्रूज खरीद लिए, वहां बस गए हैं जाके। धरती ले लो ना, क्यों वहां जाके जो है आप इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो उन क्रिएचर्स को? इलीगल जो हंटिंग करते हैं, इसकी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है उसे खतरा है। अब आप देख सकते हैं कि जो ये स्पीशीज है कहां पाई जाती है। इंडिया में अगर हम बात करें दोस्तों, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, पाक बे एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो है पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन कि पाक बे जो है किस किस को सेपरेट करता है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन, पाक बे किसको सेपरेट करता है दोस्तों? गल्फ ऑफ मन्नार ठीक है, कहां लाई करता है? फटाफट से आंसर दें। अब दूसरा क्वेश्चन होगा मैम, और यहां पे है पाक स्ट्रीट एंड पाक बे में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले आप समझ लीजिए बे और स्ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? बे और स्ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों? बे क्या होता है? बे वो वाटर बॉडी होती है जो तीन साइड से, विच इज सराउंडेड बाय थ्री साइड्स बाय लैंड, तीन तरफ से तो वो पान जो है धरती से गिरी होती है, और एक तरफ से जो है उसका माउथ ओपन होता है वाटर की तरफ, और जो माउथ वाटर की तरफ ओपन होता है वो बहुत वाइड माउथ ओपन होता है। तीन तरफ से तो लैंड से गिरी हुई है, सिर्फ एक जो उसका हिस्सा है वो पानी की तरफ खुला होता है, किसी भी ओशियन की तरफ। दूसरी तरफ है स्ट्रेट जो है दोस्तों घिरा तो तीन तरफ से पानी से ही होता है, बट जो उसका माउथ ओपन होता है वो बहुत ही नैरो होता है, पतली सी संकरी सी जो है ओपनिंग होती है स्ट्रेट में। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? इज इट क्लियर? तो स्ट्रेट मतलब यहां लैंड होगा, सामने से जो है बिल्कुल संकरा सा नैरो पैसेज होगा, ठीक है? श्रीलंका, वेरी गुड नीरज, वेरी गुड। सो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट, जैसा मैं आपको कहती हूँ आपको हमेशा मैप रखना है। अब आपको क्या करना है, आप मैप में देखेंगे कि पाक बे की लोकेशन कहाँ है, गल्फ ऑफ मन्नार की लोकेशन कहाँ है, पाक स्ट्रीट की लोकेशन कहाँ है, ठीक है? अब इम्पॉर्टेंट क्यों है दोस्तों तमिलनाडु में? दोस्तों तमिलनाडु में अगर हम मैप देखें, यस हेयर इज द मैप, अगर आप ये मैप देखें तो कितना ज़्यादा रिच हेरिटेज है तमिलनाडु की। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे जो है वेस्टर्न एज वेल एज जो
हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं वो लाई करते हैं, ठीक है। तो उनके डोमिनेंस की वजह से यहाँ पे जो है रिच हेरिटेज है, रिच बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, इकोसिस्टम वहाँ का बहुत अच्छा है, इसीलिए जो है दोस्तों इतने सारे क्रिएचर्स हैं, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन, आप बताएंगे कि तमिलनाडु में कितने नेशनल पार्क है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अश्विन ने कहा है इज बे ऑलवेज पार्ट ऑफ ओशियन और कैन बी एक्सटेंशन ऑफ सी, यानी व्हाट, अश्विन, इट कैन बी ओशियन, इट कैन बी अ सी, ठीक है। बट द कंडीशन इज दैट ओशियन या सी होंगे, बट जो ओपनिंग होगी वो बहुत वाइड जो वाटर बॉडी होगी उसकी तरफ होगी, और वाइड वाटर बॉडी कौन सी होती है, वाइड वाटर बॉडीज होती है हमारे सी या हमारे ओशियंस। दूसरी चीज दोस्तों, दूसरी चीज देखते हैं कितने नेशनल पार्क्स हैं हमारे तमिलनाडु में। सो फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे, देर आर फाइव नेशनल पार्क्स इन तमिलनाडु। कौन कौन से पांच नेशनल पार्क्स हैं, टोटल नेशनल पार्क्स हैं, गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क, मुकुर्ति नेशनल पार्क, ठीक है, मुकुर्ति नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, अन्नाईगुड़ी नेशनल पार्क, और जो है आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, गुंडी गुंडी नेशनल पार्क, ठीक है, थोड़े थोड़े टिपिकल से हैं बट याद रखने, ठीक है दोस्तों। पांच नेशनल पार्क ही लाई करते हैं कहाँ पे, तमिलनाडु में। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, यस, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुद्दूमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ति नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, अन्ना जो है नेशनल पार्क, ये सारी पांचों की पूछा आपको ध्यान रखना। दूसरी चीजें, कितने जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं दोस्तों तमिलनाडु में, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ध्यान रखेंगे देर आर 15 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन तमिलनाडु। नेशनल पार्क्स आपकी टिप्स में होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा नेशनल पार्क जो है, कौन सी इंपॉर्टेंट वहां पे फ्लोरा है, क्या वहां पे डोमिनेटिंग फोना है, आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी ज्योग्राफिकल लोकेशन में आता है। अगर आपसे क्वेश्चन कर जाए एग्जामिनर कि भैया तमिलनाडु के नेशनल पार्क्स को अरेंज करिए फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन कर दे एग्जामिनर तमिलनाडु के नेशनल पार्क्स को अरेंज कर दीजिए फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से किस तरीके से आप अरेंज करेंगे। और ये कब पता होगा, जब मैप जो है आप लोगों की आंखों में बसा होगा, दिमाग में बसा होगा, ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैप की प्रैक्टिस किया कीजिए। नेक्स्ट, कितनी बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, कितनी बर्ड सेंचुरीज हैं, देर आर 15 बर्ड सेंचुरीज इन तमिलनाडु, इज इट क्लियर फ्रेंड्स। दो कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, और अब तीसरा आ चुका है, तीसरा कौन सा आ गया है, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, और दोस्तों और फाइव जो है टाइगर रिजर्व्स आते हैं तमिलनाडु। अब आप लोगों को ये सारी चीजें टिप्स पर होनी चाहिए जो अभी मैंने बताया है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आज हमने ये देखी अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, व्हेन वाज तमिलनाडु फॉर्म, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपके लिए है भाई, अब ये इतना पकी पकाई खीर थोड़ी मिलेगी। मैम हम मैप का कैसे यूज करें यूपीएससी प्रिपरेशन में, नीरज अभी जब क्लास स्टार्ट होंगी ना मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से जो है मैप यूज करना है। आप तो पेड में आई थिंक हैं, बट स्टिल ये ध्यान रखना दोस्तों, मैप आप हमेशा अपने सामने रखेंगे। मैप की इंपॉर्टेंस समझने के लिए पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा देखने होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखेंगे, प्रीलिम्स भी मेंस भी, तो आप वहां पाएंगे दोस्तों, आप वहां पाएंगे कि दोस्तों की हर साल ज्योग्राफिकल लोकेशन पर क्वेश्चन बनते हैं। हर साल 8 से 9 क्वेश्चन होते हैं नेशनल पार्क्स पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पर, ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस पर। तो आपको कैसे याद होंगे भाई नेशनल पार्क, नेशनल पार्क इतने सारे हैं, ठीक है, 106 108 नेशनल पार्क है, कैसे रटोगे, रटा नहीं जाएगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट देखना है। इंपॉर्टेंट यानी कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें एक्सेप्शनल चीज है कोई, जो सिर्फ ओनली एंड ओनली उसी नेशनल पार्क में पाई जाती है, तो वो इंपॉर्टेंस हो गया, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए नीरज, मैप की इंपॉर्टेंस ये, अगर आपके सामने मैप होगा ना, जैसा भी आप सामने देख पा रहे हैं, आपको पता है अन्ना जूलॉजिकल पार्क ये है, गुंडी नेशनल पार्क यहाँ है, उसके बाद जो है मुकुर्ति नेशनल पार्क यहाँ है, मुद्दूमलाई नेशनल पार्क यहाँ है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क यहाँ है, फिर उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क यहाँ है। तो आपको, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ना, तो सीधा सीधा आया हुआ है अरेंज करने के लिए, सीधा सीधा एग्जामिनर पूछते हैं कि ये जो नेशनल पार्क है क्या क्या तमिलनाडु में है, क्या आंध्र प्रदेश में है, सीधे सीधे प्रीलिम्स में, मेंस में, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, स्टेट सिविल सर्विसेज में भी और यूपीएससी में भी। तो मैप की इंपॉर्टेंस ये है, जब आप साथ साथ लोकेशन मार्क करते चलोगे ना, अपने पास पॉलिटिकल फिजिकल मैप रखा करो, एटलस रखा करो, तो जो है एक दिन में मैप क्योंकि याद नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है, मैं अगर ये चीज आपको कह रही हूँ तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ इसी के लिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है एक दिन में मैप कोई भी याद नहीं कर सकता है। मैप के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस चाहिए होती है, विग्रस प्रैक्टिस, हर दिन की प्रैक्टिस। हर दिन अगर आप 10 से 15 मिनट मैपिंग पे सिर्फ लगाओगे, अल्टीमेटली 4 से 6 महीने बाद, 1 साल 2 साल बाद जब भी आप पेपर देने जाओगे,
तो दोस्तों आपकी टिप्स पे होंगी, ठीक है, चाणक्य बन चुके होंगे, जो कौटिल्य नहीं है जिससे पूछते हैं क्वेश्चन कहाँ लोकेशन है कहाँ क्या है, तो आप लोग भी उस चीज़ को प्रैक्टिस को एस कर जाओगे। तो दोस्तों ये था आज के लिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इंपॉर्टेंट न्यूज़, आई होप आप सभी के लिए कहीं ना कहीं ये हेल्प मिले, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सेशन शेयर करना है और अपना होमवर्क ध्यान रखना है, आंसर लिखना है। और इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, कोई भी अगर महापैक आज एनरोल करता है, अवेल करता है, या किसी भी टेस्ट सीरीज़ में या हमारे फाउंडेशन बैच में किसी भी आप बैच को परचेज करते हैं, सबसे ज़्यादा जो है आज डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा अगर आप आज जो है कोड यूज़ करते हैं Y335 और अवेल करते हैं किसी भी पैक को। सो फ्रेंड्स, ऑक्सफर्ड या नीलेश एटलस, आप ब्लैक स्वैन की भी ले सकते हैं, आप ऑक्सफर्ड की भी ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है, चाहे ब्लैक स्वैन ले लो चाहे ऑक्सफर्ड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइज। एट लास्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, काइंडली शेयर आर सेशन अमंग योर फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स, सो दैट दोस्तों हमारे सेशन की रीच मिले, मुझे एक पॉजिटिव फीडबैक मिले, मुझे भी एक मोटिवेशन मिले हर दिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सेशन लाने का। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, गुड बाय एंड हैव एन अमेजिंग डे टू ऑल ऑफ यू।